नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पर डे बेसिस पर कोई ना कोई वीडियोस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा वीडियो है व्हाट्सएप को। आज जब मैं सुबह अपडेट कर रहा था तो मैंने देखा कि उसने जो है अपनी टर्म्स और पॉलिसीज का एक टैप नोटिफिकेशन मैसेज मुझे दिया, जिससे कि मुझे वो व्हाट्सएप पॉलिसीज की फिर से याद आ गई, जिसकी जो डेडलाइन है 15 मई है। मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था अपडेट के बाद। जैसे ही मैंने आज व्हाट्सएप को सुबह अपडेट किया तो देखा लिखा आ रहा है ऊपर, आप देख सकते हैं, वी आर अपडेटिंग अवर टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी, टैप टू रिव्यू। यहाँ हम दोबारा से रिव्यू करते, जिसमें व्हाट्सएप का पहले कहना था कि वो अदर सोशल प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक वगैरह पर आपके डाटा को जो है किसी पर्पस से शेयर करेगा। इसके बाद जब बहुत ज़्यादा हंगामा हमारे देश में हुआ, हमारी गवर्नमेंट भी हमारे सपोर्ट में आई, तो कहा गया व्हाट्सएप के द्वारा कि नहीं, हम सारी चैट को, सारी इन्फॉर्मेशन को एंड टू एंड एनक्रिप्टेड करके रखेंगे और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है लीक नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, व्हाट्सएप अभी भी अपने पॉलिसीज़ के ऊपर अड़ा हुआ है। 15 मई उसकी लास्ट डेट है। अगर 15 मई के बाद आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट जो है बंद हो सकता है। उससे पहले आप लोग अगर स्विच करना चाहें तो कर सकते हैं। काफ़ी सारे एप्लीकेशंस नए आ गए हैं। संदेश ऐप भी अभी आया है, जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। उसको कैसे यूज़ किया जाए, कैसे उसको ऑपरेट किया जाए, मैं उसका भी आपको आई बटन में जो है लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, मैंने इसको यहाँ से जो है क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद, क्योंकि मुझे पॉलिसीज़ पता थी, इसके बाद मैं बताता हूँ, व्हाट्सएप का एक नया अपडेट आया है। काफ़ी अच्छा अपडेट है। उस अपडेट में ऐसा है कि आप जब कोई भी वीडियो मैसेज भेज रहे हैं किसी को, तो आप जो है उसके साउंड को जो है म्यूट कर सकते हैं। म्यूट करके आप उस साउंड को भेज सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए हम हमारे व्हाट्सएप पर चलते हैं। यहाँ व्हाट्सएप में आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ जाने के बाद जो है, मान लीजिए किसी वीडियो को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ गैलरी में से, और सेलेक्ट करने के बाद जो है दोस्तों, मैंने वीडियो क्लिप उठानी है और वीडियो क्लिप मैं यहाँ ले ली है। अभी आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से अपना माइक निकाल के आपको दिखाता हूँ, इस वीडियो क्लिप में जो आवाज़ आएगी। दोस्तों, आवाज़ थी, वीडियो क्लिप में आपने आवाज़ सुन लिया। अभी जब हम इस वीडियो को क्रॉप करके यहाँ से भेजने वाले हैं, मान लीजिए मैंने ये वीडियो को यहाँ से क्रॉप कर लिया है, और मैंने, आप यहाँ पर एक माइक का बटन देख पा रहे होंगे, स्पीकर का बटन एक्चुअल में आप देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं मिनट्स, यहाँ स्पीकर का जो बटन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये अनम्यूट हो गया है। अब जो भी यहाँ से भेजा जाएगा उसमें जो है कोई भी साउंड यहाँ से देखिए नहीं आएगा। मैं इसको सेंड कर देता हूँ। देखिए, मैंने इसको यहाँ से क्रॉप करके जो है इसको सेंड कर दिया है। अभी सेंड होने में ये जो भी मेरे नेटवर्क स्पीड है इस समय, उसके अकॉर्डिंग ये सेंड होगा। और देन मैं फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊंगा कि क्या इसमें आवाज़ आ रही है क्या। व्हाट्सएप जो ये लेकर आया है दोस्तों, उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। ये अच्छा भी है, कभी कभी कुछ ऐसी आवाज़ें होती थी या कुछ ऐसा अजीबोगरीब होता था, वो हमें नहीं सुनना होता था, लेकिन वीडियो क्लिप किसी मायने में ज़रूरी होती थी। इस कारण से हम उस वीडियो क्लिप को भी जो है सेंड कर देते थे। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि ये जो है वीडियो क्लिप अभी पूरी तरीके से सेंड हो गई है। मैं दोबारा से माइक हटाकर आपको यहाँ पर सुनाकर दिखाऊंगा, आप सुनकर देख सकते हैं। तो देखा दोस्त लोगों ने, ये जो है मैंने आपको चलाकर दिखाया, ये माइक जो आवाज़ जो है पूरी म्यूट हो गई है, और सिर्फ विजुअल जो इफ़ेक्ट हैं, जो विजुअलाइज दिख रहा है उस वीडियो में, वही सिर्फ सामने वाले यूज़र को, जहां भी आप वीडियो को सेंड करेंगे आपसे, वो कर सकते हैं। दोस्तों, स्टेटस में भी इसको लगाया गया है। अगर आप यहाँ स्टेटस बनाना चाहते हैं, स्टेटस बनाने के बाद जो है आप यहाँ पर जो भी वीडियो सेलेक्ट करेंगे, वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आप उसको भी जो है यहाँ से म्यूट कर पाएंगे।
तो दोस्तों, ये एक नया व्हाट्सएप का जो है हम कह सकते हैं अपडेट आया है। इसी अपडेट को करने में वो पॉलिसी जो मैंने आपको दिखाई वो पॉलिसी भी आ रही है। तो अभी आप लोगों के पास जो है विचार है करने के लिए कि क्या आप व्हाट्सएप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, क्या आप व्हाट्सएप की पॉलिसीज़ को मान सकते हैं, या आप अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जो है स्विच करने वाले हैं। जो भी हो दोस्तों, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।